लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस रणनीति के साथ बम्पर जीत हासिल की, जिस प्लानिंग के साथ पार्टी को 5 सीट से 37 सीट पर पहुंचाया, अब उसी एनर्जी के साथ वो सेंट्रल पॉलिटिक्स पर फोकस करने वाले हैं। यानी अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्रीय राजनीति के लिए जाने वाले हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ, और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। दरअसल अखिलेश यादव कभी केंद्र तो कभी प्रदेश की राजनीति में दाव आजमाते रहे, लेकिन इतनी बड़ी सफलता उन्हें पहले कभी नहीं मिली। अखिलेश यादव 5वीं बार सांसद बने हैं, 3 बार कन्नौज से सांसद रह चुके हैं, 2022 में करहल से चुनाव लड़कर जीता, फिर आजमगढ़ लोकसभा छोड़ दी थी, एक बार फिर कन्नौज से सांसदी लड़ी। अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है वो करहल छोड़ कन्नौज के रास्ते दिल्ली की राजनीति में एक्टिव रहेंगे। करहल और बेलपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, तो बहुत जल्दी मैं विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे, हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, अखिलेश के दिल्ली जाने के फैसले के बाद अब करहल सीट पर कौन लड़ेगा और यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो अब करहल सीट पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद शिवपाल यादव संभाल सकते हैं। शिवपाल अब विधायक दल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं। राम अचल राजभर जो कि अंबेडकर नगर से विधायक है, उनके रास्ते भी नेता प्रतिपक्ष के लिए खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं उनमें वरिष्ठतम सदस्य शिवपाल सिंह यादव ही हैं। ऐसे में मुझे जहां तक उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी नेता विपक्ष की कुर्सी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को ही देंगे। पीडीए का फॉर्मूला लेकर चलने वाले अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पीडीए से ही बनाया जाए, जिसमें सबसे पहला नाम शिवपाल यादव का है, बाद में किसी और का, और कुछ ऐसा ही मैसेज शिवपाल यादव भी देते रहे हैं। समय अगर ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 200 विधानसभा से ज़्यादा जीती है, तो अगर आज नैतिकता के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा दे करके चुनाव कराए जाएं, तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई वाले समाजवादी पार्टी निश्चित उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेगी। कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा है ही, बढ़ा ही है, तो अब ठीक है, विधानसभा में ठीक ही होगा। यानी अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में सहयोगियों की भागीदारी को देखा जाए तो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी समाजवादी ही है, और पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले अखिलेश यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने लोगों से मुलाकात की, तो वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में जनता के मुद्दों की जीत हुई है, लोगों ने संविधान को बचाने के लिए वोट किया है। तो चुनाव में पीडीए की जीत हुई है, यह कहा अखिलेश यादव ने, और साथ ही यह भी कहा कि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने ये बातें कही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे साथ मौजूद, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर,
ठीक एक हफ्ते पहले जो रिजल्ट आया था, आपने उत्तर प्रदेश में नया इतिहास लिखा, नया पन्ना इतिहास में आपने जोड़ दिया, कैसे इतिहास बनाना संभव हो पाया सर? देखिए, चुनाव जनता ने लड़ा और जनता ने ये महसूस किया कि उसका संविधान, उसके हक अधिकार खतरे में हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ, और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। जहां हम लोग खड़े हैं, फरक्काबाद बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रशासन ने और खास करके वहां के जिलाधिकारी ने, जिलाधिकारी पर क्या दबाव रहा होगा, जिलाधिकारी ने क्या समझा होगा, क्या बेईमानी रही होगी जिसके कारण समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उसने जानबूझ करके हराया। ये बातें भूलने वाली नहीं है कि जो अधिकारी अपने पद पर रह करके, जिसको सब भरोसा करते हैं कि आईएएस हैं, आप अधिकारी हैं, निष्पक्ष करेंगे, निष्पक्ष तरीके से फैसला देंगे, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि जिलाधिकारी और वहां के प्रशासन पे न जाने किस बात का दबाव था कि जहां समाजवादी पार्टी जीती उसको हरा दिया। न केवल फरक्काबाद में, अलीगढ़ में भी यही घटना हुई है, जहां पर लाठीचार्ज हुआ, न जाने क्या क्या करा प्रशासन ने, उसके बाद परिणाम बदल दिया। फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत कम वोटों से हारे, बांसगांव के लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, मांग करते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि जनता ये सब देख रही है, आने वाले समय में इन सबको लाखों लाखों वोट से जनता जिताएगी। ये बेईमानी भी करना चाहेंगे तो बेईमानी नहीं हो पाएगी। आपके पास संसाधन कम थे, टर्निंग प्वाइंट कौन सा मानते हैं आप इलेक्शन में, टर्निंग प्वाइंट कौन सा प्वाइंट था जहां से इलेक्शन बिल्कुल उलट गया और आपके पक्ष में आ गया? देखिए, जनता ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, चाहे वो डबल इंजन की सरकार रही हो, ट्रिपल इंजन की सरकार रही हो, दिल्ली वाले रहे हो, लखनऊ वाले रहे हो, जनता मन बना चुकी थी कि उन्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने पीडीए के अधिकारों को छीना है, उनके हक को छीना है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जाति गणना नहीं की है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने सरकार जो तोड़ से या सहयोग से बना ली है, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेंगे, और जो बड़े बड़े झूठे वादे इन्वेस्टमेंट में किए थे, कम से कम जमीन पे इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में दो सियासी पहलवान अब आमने सामने आ चुके हैं। मुजफ्फरनगर में मिली हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी तकरार जारी है। एक तरफ संजीव बालियान है तो दूसरी तरफ संगीत सोम है, जिन पर बालियान ने अपनी हार का ठीकरा फोड़ा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर कैसे दो दोस्त सियासी दुश्मनी के शिकार हो गए हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अब पश्चिमी यूपी के नेताओं की टेंशन बढ़ा चुका है। मुजफ्फरनगर में मिली हार बीजेपी में अंदरूनी तकरार पर पहुंच चुकी है, जिसमें एक तरफ संजीव बालियान है तो दूसरी तरफ संगीत सोम। अपनी हार को लेकर संजीव बालियान ने कहा, संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया, संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी का समर्थन किया। मुजफ्फरनगर में मिली हार में जय चंदो का हाथ, बीजेपी के लोगों ने ही पार्टी के खिलाफ काम किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम पार्टी हाईकमान का है। मुझे जो कहना होगा मैं पार्टी फोरम पे कहूंगा, मीडिया से नहीं कहूंगा, और मैं सलाह दूंगा संजीव बालियान जी को कि संजीव बालियान जी, आपको भी अगर कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए, ना कि मीडिया से कहनी चाहिए। हम घर की अगर कोई आपस में बात विवाद भी है तो वो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तो हम सब लोगों को समझदारी होनी चाहिए कि हम अपनी बात पार्टी फोरम पे कहें। क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है, कोई भैंस नहीं, ना मेरी उनकी भैंस साथ जी है, ना मेरी उनकी गाय साथ जी है, ना मेरी उनके खेत साथ जी है, मेरा तो कोई विवाद है नहीं। अगर उनका कोई हो तो भैया पूछ लो। चुनाव के पहले से तलखी चल रही थी, आपने पहले कहा था संजीव बालियान की हैसियत नहीं है मुझसे बात करने की। नहीं, ये मैंने इस पे कहा था कि उन्होंने कहा था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करता है। अब संजीव बालियान के आरोप पर संगीत सोम भी खुलकर अपना पक्ष रख रहे हैं। संगीत सोम ने कहा, बालियान पार्टी फोरम में अपनी बात रखें, घर का विवाद बाहर नहीं जाना चाहिए, पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच हो, चुनाव
बीजेपी कार्यकर्ता जिताएंगे न कि सपा। साथ ही संगीत सोम ने कहा कि 2022 में चुनाव वो भी हार गए थे, लेकिन कभी मीडिया के सामने अपनी हार का ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ा। उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, दो बार मुझे फुलनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ, कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें किसका स्तर कहाँ है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच ही संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया था। बालियान ने कहा था कि चुनाव के बाद वो विरोधियों को देखेंगे, उनका इशारा संगीत सोम की ओर था, जिस पर सरधना से पूर्व विधायक ने जवाब दिया था कि संजीव बालियान छोड़िए, मुझे कोई नहीं देख पाएगा, और बात भैंस खोलने तक पर आ गई थी। लेकिन जिस तरह पश्चिमी यूपी के दो बड़े नेता आमने सामने हैं, उससे पार्टी की भी परेशानी बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कार्यभार संभाला। अमित शाह कार्यभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे, यहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया, इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। नड्डा 2014 से 2019 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, एक बार फिर से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उनके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रभार है। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया, इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। नड्डा 2014 से 19 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला था, उनको एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है। उनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रभार है। मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने कार्यभार संभाला। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, साथ ही शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तो वहीं अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पदभार संभाला। अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टम्टा को केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। आज अजय टम्टा ने पदभार संभाला, News 18 से खास बात की और कहा कि 10 साल में तेज गति से सड़कों का निर्माण हुआ है और इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी। सर, आपको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है, सड़क एवं परिवहन। अगर उत्तराखंड की भी बात करें तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है। ऑल वेदर रोड्स की बात करें, हाईवेज की बात करें, किस तरह से आप इस पर अपने काम को आगे बढ़ाने वाले हैं? ये बड़ा अपने आप में सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से रोड्स के अंदर बड़ी क्रांति हुई है, आदरणीय नितिन गडकरी जी पिछले 10 साल से इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और मैं सौभाग्यवान हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग में काम करने का अवसर दिया है और आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। और ये वास्तव में जो रोड में एक प्रकार की पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई है, कहीं मैं देखता हूँ 6 लेन है, कहीं 4 लेन है, कहीं 2 लेन है। अब मेरे कॉन्स्टेंसी के अंदर पहले से पिथौरागढ़ से टनकपुर जाने में 10 से 12 घंटे लगते थे, आज मेरी ऑल वेदर रोड बनती है तो हम 3.5 घंटे पहुंच जाते हैं। तो इतना ऐतिहासिक परिवर्तन है। सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो केंद्र सरकार के पहले से चल रहे हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो या कई सारे अलग हाईवेज हों, तो किस तरह से आप इसको पूरा करेंगे और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे? किस तरह से वहां उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां के हाईवेज को और सुधारेंगे? देखिए, हमारे उत्तराखंड में अभी ऑलरेडी ऑल वेदर रोड बन रही है, कुछ रोडें हमारी स्टेट सेक्टर की जो जिनको NHB लिया है
और कुछ रोडें अभी मेरे जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली है उसमें एक भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो भारतमाला हमारा ग्वालदम से होते हुए गरुड़ बागेश्वर होते हुए कपकोट सामा होते हुए जौलजी भी मिलते हुए धारचूला और लिपुलेख तक मिलेगा और वही ये टनकपुर को आ जाएगा, तो ये यूपी को भी जोड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा हमारा रेल रोड नेटवर्क होगा और जिससे हमको आने वाले समय के अंदर बहुत समय की बचत होगी और उत्तराखंड राज्य को विशेष रूप से तीर्थाटन मिलेगा। जो हमारा जो चार धाम को यात्री जाता है तो वह आदि कैलाश को भी जाएगा। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल ने आज केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करेंगे। दो महत्वपूर्ण विभाग पंचायती राज और एनिमल हस्बेंड्री मत्स्य पालन दुग्ध उत्पादन, किस तरह से आप नई जिम्मेदारी को देखते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल करते हुए देहात से जुड़ा हुआ ये विभाग है जिसमें किसान का बहुत ज़्यादा संबंध है और ये देश की खुशहाली का रास्ता हमेशा खेत खलिहान से जाता है। जब तक भारत रहेगा ये गांव देहात किसानों का देश कहलाएगा। पशुपालन हमारा जो है गांव में घर घर पाला जाता है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि किसान की आय को दुगना करेंगे तो वो दुगना खेती के साथ साथ पशुपालन द्वारा, मछली पालन द्वारा, मुर्गी पालन द्वारा, ये तीनों चीज़ें हमारे विभाग के पास हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ड्रिप इरिगेशन से, स्प्रिंकलर इरिगेशन से, औषधि खेती से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से, उसमें ये डिपार्टमेंट किसान की आय को दुगना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और निभाएगा।